दोस्तों ये पीड़ तो आप लोगों को इसलिए हर कहीं पर मिल जाती है, लेकिन इनमें भी कुछ यूनिक सी चीज होती है जिनके लोग दीवाने होते हैं और वही चीज काफी रेयर होती है, जैसे कि आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइस हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग स्पीड की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं काफी फेमस काफी मस्कुलर डॉग स्पीड के बारे में, जिसका नाम है अमेरिकन गुल्ली। तो फ्रेंड्स ओनर के पास ये टोटल दो ही पपीज अवेलेबल हैं और दोनों के दोनों मेल हैं। तो अगर आप लोग फीमेल चाहते हैं तो वो तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू नहीं मिल पाएगी। और अगर इनके यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इनमें जो ग्रे कलर का मेल पपी है, इसकी जो आईज का कलर है वो है ग्रीन। जी हां गाइस, जो कि काफी रेयर एंड काफी कम डॉग स्पीड में देखने को मिलता है। एंड काफी लोगों की डिमांड रहती है कि भाई हमें ब्रिंडल कलर की डॉग ब्रीड चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी ब्रिंडल कलर फेवरेट है तो आप लोग इस अमेरिकन बुली को परचेज कर सकते हो। गाइस ये जो सेकंड पपी है ये ब्रिंडल कलर में है। एंड जब भी मैं अमेरिकन बुली की बात करता हूँ तो सबका इंटरेस्ट इसी में रहता है कि भाई पपीज किस साइज के हैं, क्योंकि भाई शायद आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिकन बुली बहुत से अलग अलग साइजेस में होते हैं, जैसे कि माइक्रो, पॉकेट, स्टैंडर्ड, एक्सेल एंड डबल एक्सेल। लेकिन ये जो पपीज हैं ये एक्सेल साइज में, जो कि थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। तो इन्हें रखने के लिए आप लोगों को थोड़े बड़े से घर की जरूरत होने वाली है। अगर आप लोग स्मॉल साइज के घरों में इन्हें रखोगे तो शायद आप लोगों को दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि भले ही अमेरिकन बुली दिखने में थोड़े अग्रेसिव टाइप के हों, बट इनका जो नेचर होता है वो काफी फ्रेंडली होता है। अगर आप लोग इन्हें घर पर एज ए फैमिली डॉग ब्रीड रखना चाहते हैं तो ये आप लोगों का एक बेस्ट डिसीजन होगा। एंड इन डॉग्स का फायदा ये होता है कि भाई ना तो इन्हें ग्रूमिंग की जरूरत होती है और ना ही इनके कोट को मेंटेन रखने की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नॉन हेयरी डॉग ब्रीड होती है। इनकी बॉडी पर ज्यादा हेयर्स नहीं होते और इसी वजह से शेडिंग के टाइम भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग लार्ज साइज के अमेरिकन बुलीज लेना चाहते हो तो आप लोग इन पपीज के लिए जा सकते हो। वैसे एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से भी मिलवा देता हूं। तो फ्रेंड्स फर्स्टली अगर इन पपीज की मदर के बारे में बात करें तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। एंड फादर की बात करें तो ये है इन पपीज के फादर। भाई ओनर का कहना है कि फादर जो है ये इनके पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े हैं, तो क्वालिटी फादर की भी काफी अच्छी है। बाकी आप लोगों को क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 42 डेज के हो चुके हैं और ओनर ने इनकी डिफॉर्मिंग भी कर रखी है, और ओनर की जो लोकेशन है वो है पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। एंड दोस्तों डिलीवरी की बात करें तो ओनर आप लोगों को ऑन डिमांड पर डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, बट वो किस किस लोकेशन पर ये तो आप लोगों को उनसे ही पता लगेगा। बट मैं प्रेफर करूंगा कि भाई पॉसिबल हो तो डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्टली ओनर को विजिट करके इन्हें परचेज करें तो ज्यादा बेटर है। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो पपीज की क्वालिटी आप लोग देख ही चुके हो, और ये पपीज एक्सेल साइज में, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 13,000 पीस यानी 13,000 रुपए। तो बाकी प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है, आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। वैसे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।